नमस्कार, मैं नागेश गिरी आपका स्वागत करता हूँ स्टार एपिक्स न्यूज पे। आज हम एक अलग विषय में बात करने वाले हैं क्योंकि बुट्टीबुरी शहर की आज महिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई है और नए दो लीडर महिलाओं के दो नए नेतागण को आज नियुक्त किया गया है। हमारे साथ अभी दोनों नए नियुक्ति पत्र जिन्हें दिए गए और जो नागपुर जिला ग्रामीण के जो अध्यक्ष है ये हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। ताई, अभी जो बढ़ती महंगाई का जो मतलब बढ़ती महंगाई के साथ तेल और उसके साथ गैस जिसके वजह से परिवर्तन 2014 में हुआ था, हम सभी को मालूम है कि ये मुद्दा सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा था जिसमें मोदी ने हाथ डाला और अच्छे दिन के वादे करके इसको पलटा। लेकिन अभी जो बीच में जो उतार चढ़ाव तेल में के भाव में हुए और अभी भी रसोई गैस जो है वो कम नहीं हुई, तो इसके बारे में महिला कांग्रेस विरोधी पक्ष में आप कांग्रेस है तो आपका क्या भूमिका अब तक है? नहीं, हमारी जो महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय जो खासदार सुष्मिता देव मैडम और हमारी जो ऑब्जर्वर है महाराष्ट्र की ममता जी भूपेश और हमारी महाराष्ट्र की जो अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की एडवोकेट चारुलताताई टोकस जी, इनके नेतृत्व में एक्चुअली महिला कांग्रेस संगठन पूरे देश में काम कर रहा है और महाराष्ट्र ये तो एक परिवर्तन की भूमि रही है, यहाँ पर सब परिवर्तनवादी विचार रहा है। हमने देखे कि बीजेपी सरकार ने जो वादे लोगों को किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन मीन्स उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से खींचने के लिए लोगों को एक प्रकार का झांसा दिया कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन मतलब 400 का सिलेंडर था, आज कितना बढ़ गया है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि रसोई से संबंधित एक तरफ हम देखते हैं कि उज्ज्वला योजना में वो बोलते हैं कि माने दिखावा कर रहे हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रसोई की गैस दे रहे, सिलेंडर दे रहे, मगर वो गरीब जो महिला है उसे हम सिलेंडर दे रहे, आज गैस सिगड़ी दे रहे हैं, मगर यदि सिलेंडर खत्म होता है तो वो 900 रुपए कहाँ से लाएगी, वो मजदूरी करने वाली महिला वो 900 रुपए कहाँ से लाएंगी। माने ये सब लोगों को झांसे देने वाले प्रोग्राम बीजेपी सरकार के हैं और हम देखते हैं कि महिला अत्याचार का जो मुद्दा है अभी उमरेड़ में भी अभी माने कुछ दिन पहले हमने देखा है कि हमारी एक बहन पर उसे एक रिमोट एरिया में WCL के खदान पे उसे अनुकंपा के तौर पर वहां पर उसे नियुक्ति की गई, वहां पर टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं और उस बच्ची पर अत्याचार हुआ, ये सभी को मालूम है। माने हमारा नागपुर जिला भी जो हमारे मुख्यमंत्री का होम टाउन है वहां पर आमदार निवास में भी बच्ची से अत्याचार हुआ है, ये सभी को मालूम है। तो महिला कांग्रेस की भूमिका है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कांग्रेस से जोड़े, कांग्रेस विचारधारा वाले भी और जो लोग आज हम देखते हैं कि महिला महंगाई से ग्रस्त है, पेट्रोल डीजल के कारण ग्रस्त है, क्योंकि ये सब से महंगाई बढ़ेगी। आज यदि डीजल के भाव बढ़ते हैं तो महंगाई पर असर होगा ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से हम तक वो सब पहुंचता है ना। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बीच में जो पूरा कार्यक्रम रखा और उज्ज्वला योजना द्वारा जो लोगों को हर गरीब के घर में गैस ऐसे टैगलाइन कुछ हमने देखे है, तो इस पे आपका एक मतलब अभी आपने अपने महंगाई के ऊपर बात की है लेकिन आपका वो योजना के ऊपर की जो टैगलाइन है उसके ऊपर में आपके क्या मत है? नहीं, मैं वही बोल रही ना कि वो बहुत कम लोगों को, क्या पूरे ही महिलाओं को? आज हम लोग देखते हैं क्या नागपुर डिस्ट्रिक्ट में उज्ज्वला योजना हर तरफ हर गरीब के घर में है ऐसा देख रहे क्या? ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को उन्होंने दिया है मगर सब्सिडी के माध्यम से वो उनके निकाला भी ना। लेकिन लोगों के जो मन में धारा है, हाँ। जो सामान्य लोगों के बीच में धारा है, जो महिलाओं के बीच में धारा है, हाँ। जिनको मिले और जिनके वजह से समझो कुछ लोग एडवर्टाइज से प्रभावित हुए, आज के जमाने में एडवर्टाइज ही सब कुछ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा? नहीं, एडवर्टाइज माने मोदी जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के या महाराष्ट्र में भी हम लोग देखते हैं कि भाजपा और सेना की सत्ता है तो वो लोग तो वादे ही करते आ रहे ना, माने सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर आज की स्थिति सही में हम लोग यदि बाजार में भी ऐसा नहीं, कांग्रेस आज विरोधी पक्ष में है और हमारी भूमिका है कि सत्ताधारी पक्ष लोगों के हित में काम कर रहा है कि नहीं। जैसे हम महिलाओं से संबंधित प्रश्न ले रहे हैं ना, महिलाएं कहीं भी खुश नहीं, आप बुटीबोरी में अभी 100 महिलाएं थी यहाँ पर, हमने प्रश्न पूछे, हर महिला का प्रश्न है कि रसोई इतनी बढ़ रही, माने उज्ज्वला योजना से 100% आप बोलते हैं कि सभी महिलाएं खुश है, सिलेंडर के लिए पैसा कहाँ लाएंगी और उज्ज्वला योजना में तुम सिगड़ी दे रहे मगर सब्सिडी तो तुम ले ही रहे ना, तो फिर तो हाँ मैं आपके तरफ और एक बार आऊंगा लेकिन अभी हमारे साथ बुट्टीबुरी शहर के जो नई नियुक्ति अध्यक्ष बने हैं उनसे बात करेंगे, जयसवाल मैडम हमारे साथ है। जयसवाल मैडम जी, आपको जो अभी नई नियुक्ति मिली है, एक नई जिम्मेदारी मिली है, इसके बारे में आपका क्या मत है? मतलब महिला कांग्रेस की जो नियुक्ति मुझे आज मिली है उसके लिए मैं ताई का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ
और अभी मतलब जैसे यहाँ मैं देख रही थी महिलाओं की स्थिति सब कुछ, मतलब महिलाओं पे जो अत्याचार होना ये सब होना और ये सरकार के वादे, ये तो मुझे ऐसा लगा कि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहिए, इसके साथ में रहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को के नेतृत्व में हम आगे महिलाओं का कुछ उद्धार कर सके, कुछ अच्छा कर सके, ये कोशिश रहेंगी हमारी। अब अभी तो हमें अभी शुरुआत नहीं है, देखिए हम और बाकी कांग्रेस के जो पहले के नेता लोग हैं उनके नेतृत्व में और तरक्की करें, हमारी ऐसी इच्छा है, वो हमको मार्गदर्शन करें, हम बहुत आगे बढ़ें, अपना एक गठन बहुत मजबूत बनाएं, महिलाओं के जो उनकी जो मांगे हैं, डिमांड है, उनके जो विचार है, उनके जो प्रश्न है, सबको लेकर के उसका निवारण करते हुए हम आगे बढ़े। बुट्टीपुरी नगर परिषद चुनाव अभी पास में, उसको लेके आपकी क्या अभी तक, अभी मोर्चेबंदी तो हुई नहीं होगी लेकिन आपको अभी जवाबदारी दी है, तो आप किस मुद्दों में हाथ डालना चाहूंगी? सबसे पहले तो महंगाई का मुद्दा, बुट्टीपुरी नगर परिषद को ध्यान में रखते हुए। हाँ, सबसे पहले जैसे आजकल कैसे घर अच्छे एकदम पॉश घर बन चुके हैं, नाली नहीं है, रास्ते नहीं है, नाली का पानी सब घर के सामने आता है, आपस में पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े होती है, दिन निकला कि उसी के लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर क्या फायदा है इस सरकार का? जो नाली पानी ये जो रोज के मुद्दे हैं यही नहीं क्लियर कर पा रही, तो तुम बड़े बड़े आज मतलब विदेश के मुद्दे, देश के बाहर के मुद्दे भी क्लियर करोगे और अपने देश के ही मुद्दे तुम क्लियर नहीं कर सक रहे, तो क्या फायदा है इसी सरकार का? आपको भी जवाबदारी मिली मैम, आप इस बारे में मतलब बुट्टीपुरी में आप कौन सा मुद्दे को ज्यादा बुट्टीपुरी में सबसे पहले बोरखेड़ी में सबसे में पहले तो जो मैडम ने कहा तक्षशिला मैडम ने कि जो बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या महिलाओं का अत्याचार कम हुआ है? क्या बेरोजगारी कम हुई है? नोटबंदी से हमारे देश को क्या फायदा हुआ है? हमारी आम जनता को क्या फायदा हुआ है? नोटबंदी में देखिए कि कोई भी बड़ा इंसान लाइन में नहीं खड़ा था, इसकी मार सबसे ज्यादा आम इंसान को झेलनी पड़ी, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, किस लिए? कालाधन वापस आया, गौरक्षा हुई, भारत स्वच्छ हुआ नहीं हुआ, फिर ये सारी जो एक बड़े बड़े वादे लेकर अच्छे दिन आने का जो लोगों को विश्वास दिया गया था, उस मुद्दे को लेकर जो चुनाव हुआ था, तो वो मुद्दे क्या पूरे, एक भी मुद्दा क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो ठीक, मैं उसी तरह कहूंगी कि आज मुझ पर ये बुरखेड़ी अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई है, तो सबसे पहले तो हमें अपना गाँव जहाँ हम रह रहे, सबसे पहले हमारा मोहल्ला, हमारा गाँव, इसको स्वच्छ करना है, इसका विकास करना है। यह हम कैसे करेंगे? माननीय श्री मुजीब भाई पठान, यह हमेशा से हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हर मुद्दे को उन्होंने, अगर उनके पास कोई भी मुद्दा लेकर गए हैं तो उस पर उन्होंने अमल किया है, और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे। आगे में जैसे कि नगर परिषद चुनाव आ रहे हैं, नगर परिषद चुनाव के लिए भी हम, भले मैं बोरखेड़ी के लिए चुनी गई हूँ, वो जवाबदारी मुझे बोरखेड़ी के लिए दी, लेकिन बोरखेड़ी कहीं बुट्टीपुरी से अलग नहीं है, रहे हम बुट्टीपुरी में रहे, तो कोशिश हमेशा यही करेंगे कि हमारा पूरा बुट्टीपुरी सेक्टर इसका विकास हो, और ये कांग्रेस पक्ष हमेशा से महिला के साथ रहा होगा। तक्षशिला दाई, जो अभी 2 तारीख को सेवाग्राम गांधी जयंती के दिन पे जो राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए थे आपके पार्टी के, और जो स्थानिक नेता है के जो समन्वय रहा, और जो आपके महिला शक्ति चरण का भी बहुत प्रदर्शन हुआ, तो इससे 2019 का जो आपका पक्ष बांधनी और जो 19 की जो तैयारी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राहुल जी गांधी, और हमारी जो पूर्व अध्यक्ष है, और हमारी कांग्रेस की जो जान है आदरणीय सोनिया जी गांधी, और सभी हमारी महिला कांग्रेस के, और हमारे यहाँ प्रदेश के जो अध्यक्ष है हमारे चौहान साहब, ऐसी सभी बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ पर आई। बुट्टीपुरी ये क्षेत्र से भी हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सम्माननीय सचिव है, और बुट्टीपुरी में उनका काफी दबदबा भी है, और एक कांग्रेस को जिंदा रखने का काम कांग्रेस के हर लोगों के संघर्ष में लेके कांग्रेस का झंडा उठाते हुए हमेशा मुजीब भाई इस क्षेत्र में या कोई कामगार क्षेत्र में यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज जो महिला संगठन का आपने पूछा, मैं वर्धा पर भी आती हूँ, मगर जो महिला संगठन में हमने जायसवाल मैडम को, ममता मैडम को जो जिम्मेदारी दी है, तो यह सब मुजीब भाई के कारण ही यहाँ जो संगठन है, ये महिलाएं आज ही महिला कांग्रेस में काम नहीं कर रही,
हर समय ये कांग्रेस का झंडा उठाकर संघर्ष करती है, रास्ते पे आती है, लोगों के प्रश्न में काम कर रही है, मगर महिला कांग्रेस के माध्यम से आज इनको नेतृत्व देने का बड़ा फैसला हमने किया है कि मैंने जो काम करने वाली महिला है वो कांग्रेस में उनकी लीडरशिप तैयार होना चाहिए, इसलिए हम महिला कांग्रेस में इनको नेतृत्व दिए। आदरणीय राहुल जी गांधी वर्धा में आए, 2 अक्टूबर माने महात्मा गांधी जी ने जो शांतता का जो संदेश पूरे देश में और पूरे विश्व में दिया है, तो वहां पर एक्चुअली कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर हुई है, ये इतिहास है। इंदिरा जी भी हमारी जो नेता है रह चुकी है, वो इंदिरा जी या राजीव जी स्वर्गीय, इन सभी ने जब जब सत्ता नहीं रही तब तब संघर्ष की जो प्रेरणा भूमि रही है, यहाँ से उनको एक शक्ति मिली है, ऐसा शक्ति स्थल है विदर्भ, और विदर्भ की भूमि है सेवाग्राम। सेवाग्राम से जब जब आए तब तक हमने कांग्रेस में सत्ता हासिल की है। राहुल जी आने के कारण हर कांग्रेस जो व्यक्ति है उनमें एक उत्साह पैदा हुआ, हमारे महिलाओं में एक उत्साह का वातावरण पैदा हुआ है, क्योंकि सामान्य लोग बहुत परेशान है, वो मीडिया में क्या बताते हैं वो बात अलग है, मगर जमीन पे लोगों के जो प्रश्न है वो प्रश्न में, जैसे ममता दीदी ने बताई अभी कि एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला, हमारे युवक कांग्रेस युवक जो है बेरोजगार है उसका ऐप ही बीजेपी ने बंद कर दिया, मालूम है ना। हाँ, हाँ। कि मैंने पता ही नहीं चलेंगे कि कितने युवक बेरोजगार है करके, महिलाओं के अत्याचार के दिन ब दिन हम लोग देखते हैं कि मीडिया में दिखते हैं, हमें न्यूज पेपर में दिखते हैं, ये सभी प्रश्न है। तो राहुल जी आने के कारण, सोनिया जी आने के कारण और जो बड़े नेता यहाँ पर आए, तो उसमें से मुझे लगता है कि कांग्रेस को 2019 में कोई रोक नहीं सकता और कांग्रेस की शक्ति यहाँ रहेगी। हमारे जो यहाँ के सांसद रह चुके, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, और हमारे रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो नेता हमारे हैं आदरणीय मुकुल जी वासनिक साहब, वो भी कंटिन्यू लोगों से, और हमारे जो काश्तकार है किसान भाई है उनके प्रश्नों को लेकर हमेशा सजग रहे, हमारे सुनील भाऊ केदार जो हमारे एक ही आमदार है, हमारे जो जिला अध्यक्ष है राजेंद्र जी मुड़क जी, तो ये जो ग्रामीण का संगठन जो है वो एक मजबूती से उभर के आएगा। और नागपुर ग्रामीण में तो भी मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस का झंडा लहराया है। तो हमने ये खास बातचीत अभी हमारे हुई है नागपुर जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष तक्षशिलाताई वाघरे जी के साथ। इनका पूर्ण विश्वास है कि 19 में परिवर्तन होगा और कांग्रेस का झंडा ही लहराएगा। और जो नए नियुक्ति पत्र दिए गए है बुट्टीबोरी नगर परिषद और बोरखेड़ी ग्रामीण में, इनका भी ये आत्मविश्वास है कि हम आने वाले नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। स्टार अपेक्स न्यूज से बातचीत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं नागेश गिरे, देखते रहिए स्टार अपेक्स न्यूज, स्टार का वार्ता।